नमस्ते बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 3, 4 व 5 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ 3 है शब्द, पाठ 4 संज्ञा व पाठ 5 लिंग है। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ होता है, यानी कि किसी भी अक्षर का स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता यदि उनको मिलाकर कोई शब्द ना बनाया जाए, कोई सार्थक शब्द ना बनाया जाए। इस प्रकार अ जोड़ द जोड़ र जोड़ क अदरक एक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। यदि हम म द और न को जोड़ते हैं तो इससे भी एक शब्द निकलता है, मदन, और मदन एक नाम है इसलिए इसका भी एक अर्थ है। इसी प्रकार इस पाठ के अभ्यास कार्य में भी आपने शब्दों को जोड़कर शब्द बनाए अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाए हैं, जैसे श ह र शहर, म ग र मगर, अ म र अमर, न ट ख ट नटखट। इसी प्रकार चित्र देखकर शब्द लिखना है, उसमें भी आपने पूर्व में शब्द लिखा है, जैसे शेर, लड़की, तरबूज, मछली। रचनात्मक कार्यों में भी आपने यह कार्य किया हुआ है, माँ के साथ रसोई घर में जाकर वहाँ के कुछ 5 बर्तनों के चित्र बनाने हैं और उनके सामने उनके नाम लिखने हैं, ये कार्य भी आप पहले कर चुके हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा पाठ है संज्ञा। संज्ञा में हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी कि दुनिया में सबका नाम होता है और नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम मदन, राधा, नरेश, वस्तुओं के नाम कटोरी, थाली, चादर, और स्थानों के नाम रसोई घर या बरामदा या फिर पटना, दिल्ली, मुंबई। इस प्रकार यहाँ पे परीक्षा में आपको इन सभी पाठों से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको इन पाठों को स्वयं से घर में भी इनका रिवीजन करना है। यहाँ पर देखिए कई सारे वस्तुओं, स्थानों और भावों के भी नाम दिए गए हैं, जैसे भावों में दुश्मनी, खुशी और भय भी होता है। तो इस प्रकार संज्ञा की एक परिभाषा बनती है जिसे हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभ्यास कार्य में आपने यह कार्य पूर्व में किया है जिसे आपको फिर से दोहराना है ताकि यदि परीक्षा में कोई प्रश्न इन सबसे आए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। लिंग, लिंग के 2 रूप होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। यह है लिंग की परिभाषा। लिंग में आपने लिंग की तालिका पढ़ी थी जिसमें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग किस प्रकार बनता है वो बताया गया था, इसके अभ्यास कार्य किए थे। तो आपको अब इन सब चीज़ों का एक बार फिर से की पुनरावृत्ति करनी है और उनको फिर से दोहराना है ताकि कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ आपसे छूटा न रह जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।